आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप में से हर एक के जहन में इस पल कोई एक ख्वाहिश तो जरूर है ना? वो देखो, आपके दिल की खिड़की से झांक रही है। लाजिम है आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे होंगे, और आप में से कुछ लोग तो गिवअप भी करने वाले होंगे। नहीं नहीं, करो करो, गिवअप करो, जी भर के गिवअप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पिटारे में है एक सवाल और एक कहानी, वो सुन लो बस, उसके बाद जी भर के गिवअप करो। इनफैक्ट ना, साथ मिलके करेंगे, ठीक है? अच्छा, आप किसी ना किसी स्टार सेलिब्रिटी के फैन तो हो गए, विराट, सलमान, शाहरुख, अपने यहां तो वैसे ही इतना क्रेज है नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जितने बड़े आप किसी और के फैन हो, क्या उतने बड़े खुद के फैन हो? देते हो खुद को इतना भाव? सिंपल सवाल, क्या आप अपनी फिल्म के हीरो हो? सोचो सोचो। चलो, जब तक आप ये सोच रहे हो, आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है कहानी के एंड तक आपको आपका जवाब मिल जाए। तो यात्रियों से निवेदन है, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, अब हम पुराने दौर में लैंड करने वाले हैं। सन 1999, मेरी उम्र कुछ 10-11 साल, 90 के दशक की एक सुस्त दोपहर। हम तो दीवाने हुए यार, हाँ हाँ, तेरे दीवाने हुए यार। बादशाह फिल्म का ये गाना दोपहर की चुप्पी तोड़ता हुआ, लोगों की नींद खोलता हुआ, पूरे घर मोहल्ले में बजने लगा। दरअसल हमारे ऑडियो कैसेट के बड़े से कलेक्शन में दो नई नवेली कैसेट का हुआ था गृह प्रवेश, बादशाह और हेलो ब्रदर। तो जो रज के हम तीन भाई बहनों ने कैसेट बजाई है, आज भी ये गाने मेरे अंतर्मन में कहीं बज रहे। तो जब हम फाइनली इन गानों से बोर हो गए, तो एक दोपहर हमने उठाई ये बादशाह की कैसेट, डाला इसे टेप रिकॉर्डर में और लगे इसके ऊपर अपनी आवाजें रिकॉर्ड करने। हेलो दिल्ली, क्या हालचाल, बंदी को पूजा कहते हैं, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि हाय, मेरी आवाज रेडियो से निकल रही है। भोला जमाना था ना, इंस्टा ना नेटफ्लिक्स ना मोबाइल, इसी में खुश हो जाते थे कि क्या एडवेंचर है। और बस यहीं से शुरू हुई मेरी और रेडियो की प्रेम कहानी। कुछ साल बाद प्राइवेट एफएम स्टेशंस भी आ गए, फिर तो घर में रिचुअल हो गया जी। मम्मी मुझे सुबह स्कूल के लिए उठाती थी और मैं दौड़ के सबसे पहले एफएम चलाती थी, उसके बाद तैयार होने जाती थी, फिर स्कूल से आने के बाद भी, फिर उसके बाद सोने से पहले भी। उस वक्त ना ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे, हाय। तो बचपन में ही सोच लिया था कि जी नौकरी हो तो आरजे जैसी हो, वरना ना हो। तो आरजे बनना था। वक्त बीता, मास्टर्स की पढ़ाई शुरू हो गई, साथ साथ में रेडियो में इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रही हूँ। ऑल इंडिया रेडियो में शोज करते रहना, थोक के भाव, सीवी भेजना, हजारों कॉल्स करना, जैक ढूंढना, फलाना ढिमकाना, सब। एक दिन चप्पलें घिसने के बाद फाइनली मुझे कॉल आया रेड एफएम से, हद एक्साइटेड। आई वॉज लाइक, मेरा टाइम आ गया, बाबूराज छा गया। बड़ी शान से पहुंची, मेरी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल, पता क्या पूछा? बताओ दिल्ली में जिगलोस कहाँ होते हैं? शिट, जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस चली गई यार, क्या बला क्या ये? डू यू इवन नो व्हाट जिगलोस आर? मैम, यस ऑफ कोर्स, या ओके, वी विल कॉल यू इफ यू सिलेक्टेड, थैंक यू। अखंड बेइज्जती, घनघोर चौपसी, इंटरव्यू फेल, रोते हुए घर गई। उस दिन मैंने दो बातें सीखी। पहला, जिगलोज मेल एस्कॉर्ट को कहते हैं और ये सीपी में होते हैं। और दूसरा, आप ना कितनी पढ़ाइयां पढ़ लो, किताबें रट लो, टॉपर बन जाओ, लेकिन जब तक जिंदगी को घोंट कर नहीं पी जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ना, किताबों से ज्यादा जिंदगी का रट्टा लगाया करो जानेमन। टॉप रैंकर क्या उखाड़ लिया, स्कूल कॉलेज और घर के बमूडा ट्रायंगल के बीच में गुम हो गई थी मेरी जिंदगी, तो कैसे पता होता? मैंने सोचा कोई बात नहीं, वक्त अड़ियल तो हम भी ढीठ हैं, अरे ये तो कुदरत का नियम है प्यारे, हर हार के बाद एक जीत है। तो कोशिश जारी रखी। एक दोपहर को मैं रेडियो सुन रही थी और रेडियो सिटी पे अनाउंस हुआ आरजे हंट,
कि जी ये नंबर है, इस पे एक मिनट तो कॉल करके बोलो, शॉर्ट लिस्ट हुए तो बुलाएंगे। यही मौका तो चाहिए था, कर दिया रजिस्टर। थोड़े दिन बाद कॉल भी आ गया, मैंने कहा अब तो मक्खन है। वहाँ गई तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, मेरी रिकॉर्डिंग कराई और बार बार से भेज दिया कि बताएंगे। ओके, अंदर देखने भी नहीं मिला। अब मैं लिफ्ट लॉबी में खड़ी हूँ, लिफ्ट ऊपर आई, दरवाज़ा खुला और मैं लिटरली ऐसे ही खड़ी हूँ। मेरा पैर अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मन ने कहा नहीं यार, सपना है तेरा, सालों लग गए यहाँ पहुँचने में, अंदर जा, देखा जाएगा। रिसेप्शनिस्ट का ध्यान था फ़ोन पे, छुपते छुपाते घुस गए अंदर। और अब पूरे ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ, अच्छा आरजेस यहाँ बैठते हैं, अच्छा आरजेस यहाँ चाय पीते हैं, अच्छा यहाँ से शो करते हैं। और चलते चलते एक केबिन आया, लिखा था प्रोग्रामिंग हेड। मन ने फिर कहा अंदर जा, बात कर। अरे ज्यादा से ज्यादा धक्के मार के निकाल देंगे और क्या। ये मन ना बड़ा कमीना यार, लेकिन इसकी हमेशा सुननी चाहिए। भगवान का नाम लिया, घुस गई अंदर और बोलना शुरू, सर मैं यहाँ पर अर्जेंट कॉन्टेस्ट के लिए आई थी, आप मुझे इंटर्नशिप का एक मौका दे दो सर। सर ये मेरी सीडी है, इसमें ना हमने कॉलेज में फिल्म बनाई थी सर, इसमें वो, सर इसमें मेरे वॉइस सैंपल भी, सर इसमें रेडियो शो भी। सर ने कहा एक सेकेंड बैठो। उन्होंने काफ़ी देर तक मुझसे बात की, मेरी आइडियाज़ पूछे और फिर कहा कि यू नो आई एम एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड, पर बेटा अभी कोई वैकेंसी नहीं है, मैं थोड़े महीनों बाद तुम्हें फ़ोन करता हूँ। समझ गई, टरका रहे हैं। लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ टाइम बाद आरजे हंट का रिजल्ट भी आ गया, मैं नहीं जीती। और अब मेरा दिल बैठ गया, जिम्मेदारियां आगे ताक लगाए बैठी थी, जिंदगी से अब मुलाकात हो रही थी। अरे नहीं बड़े होना था यार, ये कैसी जबरदस्ती हमारे साथ हो रही थी। लेकिन फिर एक शाम हुआ मैजिक। कुछ महीनों बाद शाम को घर पे फोन आया, हाय आई एम एचआर कॉलिंग फ्रॉम रेडियो सिटी, योर नेम हैज बीन रिकमेंडेड फॉर इंटर्नशिप, तो आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। आई फ्रोज। मैंने सोचा उस दिन अगर मैं चुपचाप बाहर से निकल गई होती तो ये कॉल मुझे कभी नहीं आता। तो जाने मन, जो दुनिया की सुनता है वो दुनिया में गुम हो जाता है, जो मन की सुनता है वो मन का पा जाता है। अरे तुम घर से निकलो तो सही, रास्ता अपने आप सामने आ जाता है। तो इसलिए हमेशा मन की सुननी चाहिए। लेकिन किंतु परंतु, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। तो मैंने ज्वाइन कर लिया एंड आई वॉज लिविंग अ ड्रीम। सुबह उठने में इतना मज़ा आता था, बाय गॉड मैं बता नहीं सकती, और मैं बड़ी मेहनत करती थी। लेकिन इंटर्नशिप का ये सफ़र आसान नहीं था। सेलिब्रिटी आरजे, सीनियर्स, मीडिया का कल्चर, सब टिप टॉप, कॉन्फिडेंस से लदे हुए, एंड आई वॉज अ नर्ड एंड वेरी ऑनेस्टली बहुत चोमू दिखती थी मैं। कुछ दिनों बाद एक सीनियर आरजे मेरे पास आई और बोली कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सॉरी, हाँ आई मीन लुक एट यू, देखो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बहुत भोली हो, ये करियर का टाइम है, तुम इसे वेस्ट मत करो, कोई डेस्क जॉब ले लो बेटा, यहाँ कोई स्कोप नहीं है तुम्हारा। कहा और चले गए। स्कोप नहीं है वो एक चीज जो आपको जिंदगी से चाहिए और जिंदगी से बढ़कर चाहिए, वही एक चीज कोई आपको आकर बोल देना कि आप उसके लायक नहीं हो तो आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाती है, और कोई बड़ा आदमी आकर बोल दे यू आर नॉट गुड इनफ तो आप अपनी नजरों में लूजर हो जाते हो। मैं टूटी पर बिखरी नहीं, क्यों छोड़ू मेन कैरेक्टर वाइब्स, मैं काम करती रही। कुछ महीनों बाद वही आरजे मेरे पास आई, हक कर लिया और बोली कि आई टेक माई वर्ड्स बैक, तुम्हारा काम क्लास अपार्ट है यार, तुम रेडियो के लिए ही बनी हो। फीलिंग थी भाई, फीलिंग। पता है कई बार ना शब्दों की जरूरत नहीं होती, आपका काम बोलता है, और जब काम बोलता है ना तो अच्छे अच्छे सुनते हैं। उसके बाद अगले 5 साल तक मैं प्राइम टाइम आरजे रही अलग अलग स्टेशंस में, और आपको पता है उनमें से एक स्टेशन कौन सा था, रेड एफएम, जहां से रिजेक्ट हो गई थी।
पर ये 5 साल का सफ़र भी आसान नहीं था। एक बार मुझे इरफान साहब का इंटरव्यू लेना था तो ऑफिस वालों ने कहा तुमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मूडी है, वो हंसते नहीं है, स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। पूरे इंटरव्यू में मैं, इरफान साहब और अर्जुन रामपाल हंसते हंसते लोटपोट, ऑफिस वाले हैरान। तो जो लोग डीमोरलाइज कर रहे थे फिर उनकी शाबाशी भी देखी है, अपने नाम के होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर में फ़ोटो, फैंस का प्यार, उनका गिफ्ट देना, ऑटोग्राफ लेना, लोकल सेलिब्रिटी के सारे छोटे मोटे मज़े लिए, अपना सपना जिया। अजय ये सपने देखना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए बेइज्जती और रिजेक्शंस का दरिया है और डूब के जाना है। तो इन सारी बातों का लॉलीपॉप ये है जानेमन के, ना हालात ना इंसान, किसी को ना मत बताने दो कि आपकी वो सपने देखने की हैसियत है या नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से, सच्चाई से अपनी हैसियत इतनी ऊंची कर लो कि वो सपने आपके सामने छोटे लगने लगे, वो सपने हकीकत लगने लगे। और सुनो, तुम, हाँ तुम खास हो, हमेशा से, जब से पैदा हुए हो, बस ना लोगों को तब लगने लग जाते हो जब कुछ बन जाते हो। तो बनो ना, बनो अपनी फिल्म के हीरो। एक सेकेंड, अच्छा नहीं, आप तो गिव अप करने वाले हो ना, तो ये आपके लिए, वक्त सबका एक दिन ग्रेट आता है, किसी का जल्दी तो किसी का लेट आता है, लोगों की ना सुन अपनी धुन में लगा रे प्यारे, क्योंकि जिंदगी के बाजार में हार्डवर्क पेड़ आता है, पेड़ आता है। शुक्रिया।